प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। भिंड में भी बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची, जहां भिंड प्रत्याशी संजीव सिंह सहित अटेर, महगांव और गौहद के प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मायावती को सुनने के लिए हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो विरोधी पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र जारी किए हैं वे जनता को लुभाने वाले और झूठे हैं। बसपा ने हमेशा एससी एसटी और अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्गों के हित में कार्य किया है। तो आरक्षण नहीं दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, तो वो जातीय समीकरण, वो जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं वो केवल अति पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस किस्म के पार्टियों से जो हवा हवाई बातें करते हैं उनसे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये मालूम होना चाहिए इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे तो हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात हमारी पार्टी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।